जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी केवली भगवानों की, महाभारत के प्रसंग की, इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, वर्तमान युग के शासन नायक महावीर भगवान की, वर्तमान युग के प्रथमाचार्य आचार्य भगवान चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दो जड़ंदो। हम सभी लोग पांडव पुराण नाम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ में जैसा कि आपको पहले से पता है, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि जो पांडव हुए हैं, पांच पांडव नकुल सहदेव मिलाकर के, उनके चरित्र का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है। वह किस स्थान पर जन्मे थे, उस स्थान पर उनके पूर्वज कौन थे, उनकी घटनाएं अभी तक के अध्यायों में चल रही है। राजा सैनिक जो बहुत महान राजा हुए हैं, उन्होंने महावीर भगवान के समुसरण में जो 24वें तीर्थंकर अभी वर्तमान काल के हुए हैं, उनके प्रथम गणधर मुख्य गणधर गौतम गणधर, उनसे पांडव पुराण को सुनने की इच्छा प्रस्तुत की है। उसके उत्तर में वे उन्हें बता रहे हैं कि किस प्रकार से पहले तीर्थंकर इस धरा पर आदिनाथ भगवान हुए और आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए, भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति हुए। एक बार वहाँ पर एक अन्य राजा हैं जिनका नाम है अकंपन, उनकी पुत्री है सुलोचना, उसके विवाह के लिए स्वयंवर की रीति का इंतजाम किया गया कि अपना विवाह हम बेटी का स्वयंवर की रीति से करेंगे। तो वहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजाओं को आमंत्रण दिया गया, तो उसमें सुलोचना नाम की जो पुत्री है उसने जय कुमार का वरण कर लिया, उनसे विवाह कर लिया, उनको वरमाला डाल दी। यह देख करके जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति भी वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने अपने मित्र राजाओं अन्य सेवकों द्वारा भड़काए जाने पर युद्ध की घोषणा कर दी कि हमारे रहते हुए जय कुमार से क्यों विवाह किया गया है, है ना आकाश भैया, ये एक बार दे देना अंदर मैडम को, दे देना। इस प्रकार से क्यों हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है। तो अर्क कीर्ति ने वहां जब युद्ध की घोषणा कर दी तो जो राजा जय कुमार हैं उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने भी प्रत्युत्तर में बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा। जय कुमार भी स्वयं में बहुत बड़े वीर हैं, वह उनके पिताजी के यानी भरत चक्रवर्ती के सेनापति हैं, उनके भी 14 रत्नों में से एक रत्न है। भरत चक्रवर्ती 6 खंडों के राजा हैं, तो उनका जो सेनापति है वह भी कोई कमजोर नहीं है। उसने उस युद्ध में अपनी बल के साथ शक्ति के साथ और अपने पुण्य के कारण से जो देवों ने उनकी सहायता करी
उन्होंने अर्क कीर्ति को पराजित कर दिया और बंधक बना लिया। उसके बाद उनको अपने राज्य में लेकर के आया गया और फिर वहाँ पर उनसे क्षमा याचना करके उनको आज़ाद कर दिया गया कि हमने आपसे युद्ध इसलिए लड़ा क्योंकि शुरुआत आपने करी थी और आप धर्म के विरुद्ध लड़ रहे थे, आप बुरा मत मानिए, यह हार आपकी नहीं है, ये पराजय आपकी नहीं है, ये तो अधर्म की हार है, नीति की जीत है, सत्य की जीत है, और आपकी जो हार हुई है यह क्योंकि आपने धर्म का मार्ग छोड़ दिया इस कारण से हुई। यदि आपको सुलोचना इतनी प्रिय थी तो आप स्वयंवर रुकवा देते, आप उसकी चाहत अब छोड़ दीजिए क्योंकि अब उसने माला डाल दी है, उसका विवाह हो चुका है। इस प्रकार से उनको संतुष्ट किया गया, उनसे क्षमा याचना की गई। फिर उसके बाद राजा कंपन ने कहा कि हम तब मानेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया है क्योंकि आपके पिताजी पूरे छः खंड के राजा हैं, हम भी उनके अधीन हैं और हमसे ये गलती हुई है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तभी मानेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया जब हमारी दूसरी पुत्री सुलोचना की बहन लक्ष्मीवती से आप विवाह कर लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री का वरण अर्क कीर्ति से किया और उन सभी राजाओं को खुशी खुशी विवाह के उपरांत अपने अपने नगर विदा कर दिया। उसके बाद जय कुमार और अकंपन को लगा कि कहीं भरत चक्रवर्ती को घटना किसी अन्य से पता चले और हमसे नाराज ना हो जाए, हमारे कोप हमारे ऊपर क्रोध कोप ना करें, तो पहले हम खुद ही स्वयं बता देते हैं कि कैसा कैसा हुआ है। तो उन्होंने अपने एक दूत को भरत चक्रवर्ती के पास में भेजा, उसने सारी घटना जो की तो सुना दी और बता दिया कि पूरी घटना आपको अवधि ज्ञान से भी ज्ञात हो गई होगी क्योंकि चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान रहता है बिना दीक्षा के भी। दीक्षा से पहले जैसे तीर्थंकरों को रहता है गर्भ के समय से मति श्रुत और अवधि ज्ञान, इसी प्रकार से चक्रवर्तियों को भी रहा करता है। उसके बाद उनका बहुत सम्मान किया। भरत चक्रवर्ती ने उनको कहा कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राजा कंपन ने बेकार में आपको मेहनत करके यहाँ भेजा है, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। वहाँ से फिर दूत विदा होकर के वापस अपने नगर में पहुँच जाता है और चक्रवर्ती का जो बात थी वह जो क्या तो कह करके राजा कंपन और जय कुमार को बता देता है। जय कुमार ये सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने ऐसा कहा है कि हमारे स्वयं के पुत्र अर्क कीर्ति ने तो हमारे कुल का नाम बदनाम किया है, आपने तो धर्म की रक्षा करी है तो इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, हमारे ही पुत्र ने हमारे कुल पर कलंक लगाया है इस प्रकार से युद्ध कर कर। आगे की घटना अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब भरत चक्रवर्ती अर्क कीर्ति को जय कुमार को कैसे व्यवहार करते हैं। आज का स्वाध्याय नया प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे, फिर आगे का अध्ययन करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शनवंतु, सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। कुछ समय तक जय कुमार ने एवं सुलोचना ने वहीं मधुमास व्यतीत किया।
विवाह के उपरांत जयकुमार अपनी ससुराल में ही कुछ दिन रुक गए। मधुमास यानी कि शादी के बाद के कुछ समय, कुछ महीने, कुछ दिन, उस प्रकार से अच्छा अच्छा समय सुलोचना के साथ जयकुमार ने वहीं पर उसी स्थान पर निकाला। तत्पश्चात महाराज अकंपन से स्वदेश लौटने की इच्छा प्रकट करी। जयकुमार ने कहा, अब काफ़ी दिन हो गए हैं आपके आतिथ्य में, ससुराल में, तो अब हमें अपने नगर लौट जाना चाहिए, वहाँ पर भी बहुत सारे कार्य करने हैं, राज्य देखना है, अन्य धर्म इत्यादि कार्य करने हैं, वहाँ की व्यवस्था देखनी है, तो आप हमें और हमारी धर्मपत्नी को आज्ञा दीजिए कि हम अपने देश अब चले। उन्होंने गज, अश्व, रथ, पद आदि अलंकार आदि से नवयुगल को सुशोभित कर विदा कर दिया। राजा कंपन ने क्या क्या दिया उनको, अब हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक और बहुत सारे अलंकार, मतलब आभूषण इत्यादि दे करके नवयुगल यानी कि नई नई शादी जिनको होती है, नववर वधु, उनको सुशोभित करके उनको विदा कर दिया कि ठीक है बेटा। साथ में उन्होंने उनके अपने पुत्र हेमांगद को भी भेजा कि भाई इनको छोड़ के आओ, बाद में वापस आ जाना, है ना, जब विदाई होती है तो साथ में अपना पुत्र भी भेज दिया कि भाई बेटी को विदा करने जा रहे हैं, तो अपने पुत्र को, उसके भाई को भी साथ में भेजा। किन्होंने, अकंपन ने। सेना एवं स्वजनों से घिरे हुए जय गंगा नदी के तट पर जा पहुंचा। कहां पर पहुंच गए, बहुत दूर वह स्थान था जहां पर ये काशी नगरी है। वर्तमान में जो काशी नगरी है भारत देश के अंदर, पहले भी कई बार ऐसा लगता है कि जरूर ही नहीं है कि ये आदिनाथ भगवान के समय वाली है कि कौन सी है, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि जब वहाँ से निकले हैं तो गंगा नदी के तट पर जा पहुँचे। गंगा नदी कौन सी वाली है, जो आर्यखंड के एक कोने पे है, उसके बाद तो फिर मलेच्छखंड प्रारंभ हो जाता है उस गंगा नदी को क्रॉस करने के बाद, तो इसका मतलब काशी भी बहुत बड़ी काशी कहीं और उस समय हुआ करती होगी, ऐसा प्रतीत होता है। सेना एवं स्वजनों यानी अपने लोगों से घिरे हुए वह राजा जय गंगा नदी के तट पर जा पहुंचे। जब वापस जा रहे हैं अपने नगर, वहां पहुंचकर अपनी सेना को विश्राम करने की आज्ञा दी कि भाई चलो बहुत देर से चल रहे हैं तो थोड़ा देर रुक जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं नदी के तट पर, एवं मित्र मंडली सहित अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुआ, है ना। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि जो अयोध्या नगरी है वह गंगा नदी के आसपास होनी चाहिए, है ना। जो उस समय के काल की अयोध्या नगरी ओरिजिनल वाली रही होगी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि गंगा नदी के तट पर सेना को रोक दिया, इतने सारे लोग थे, और अपने खास खास दोस्तों को लेकर के अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुआ। जब अर्क कीर्ति ने जय का आगमन सुना तब उसने भी उसकी ससिस ने अगवानी करी। पहले तो क्या था, दुश्मनी हो गई थी, लड़ाई हुई थी, और अब क्या हो रहा है, अर्क कीर्ति को जब पता चला कि जय कुमार सुलोचना को लेकर के अपनी नगरी में आए हैं तो क्या किया, बहुत उनका आतिथ्य किया, सत्कार किया। कारण, क्योंकि उनकी जो स्वयं की अब पत्नी है लक्ष्मीवती, वह सुलोचना की बहन हो गई, तो रिश्ते में आ गए। और वैसे भी हमारे पिताजी की सेनापति हैं, राजा श्रेयांश के भतीजे हैं, जिन्होंने पहली बार हमारे दादाजी को आहार दिया था, राजा श्रेयांश और सोमप्रभ, इनके पिताजी सोमप्रभ हैं,
इसलिए अपना सारा की सारा क्रोध अब अर्क कीर्ति जो भी उसने पास्ट में किया भूत में किया उसको भूल करके क्या किया, उसने सस स्नेह यानी कि स्नेह के साथ उन सभी की अगवानी करी। जिस समय जय एवं अर्क कीर्ति ने नगरी में राज मार्गों पर भ्रमण किया उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि अनेक देवों के साथ इंद्र अमरावती में प्रवेश कर रहा है। कितनी सुंदर बात कही। जब अर्क कीर्ति और जय कुमार नगर में भ्रमण करते हुए राजमहल की तरफ रास्ते में जा रहे हैं तो इतना वैभव उनका दिखाई दे रहा है, इतने सौंदर्यवान दिखाई दे रहे हैं जैसे कि इंद्र अमरावती में प्रवेश कर रहा हो। इंद्र की जो नगरी होती है स्वर्गों में राजधानी उसको अमरावती कहा जाता है। वे सीधे राज्यसभा में जा पहुंचे। सबसे पहले कहां पहुंचे? राज्यसभा में। वहां चक्रवर्ती को नमस्कार कर उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गए। राज्यसभा में सिंहासन पर कौन बैठे हैं? चक्रवर्ती। कौन बैठे हैं? भरत चक्रवर्ती। तो भरत चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठे हैं, उनको उन्होंने दोनों ने नमस्कार किया, सभी लोगों ने उनको जय जिनेंद्र उनकी स्तुति करी और उसके बाद चक्रवर्ती ने कहा आइए बैठिए। तो जो सिंहासन थे उनके द्वारा खाली वहाँ पर वे सभी अपने अपने निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गए कि जैसा निर्देश दिया गया उस हिसाब से बैठ गए। तत्पश्चात चक्रवर्ती ने कहना प्रारंभ किया। देखिए चक्रवर्ती कौन है? भरत चक्रवर्ती। उन्होंने अब कहा, मुस्कुराए, क्यों? क्योंकि जय कुमार उनका सेनापति है। हे जय कुमार, तुम अपनी नववधु जो अभी विवाह करके लाए हो को संग में क्यों नहीं लाए? अच्छा, इसका मतलब ये अकेले ही पहुंच गए राजमहल में। चक्रवर्ती ने कहा कि हमें मालूम है कि तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम अकेले अकेले क्यों आ गए? अपनी धर्म पत्नी को यहां पर दर्शन के लिए हमसे मिलवाने क्यों नहीं लाए? हम भी अपनी पुत्र वधु को देखना चाहते हैं। क्या कहा? कि जैसे हमारा पुत्र अर्क कीर्ति है, तुम भी हमारे पुत्र ही हो, सेनापति हो, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी पुत्रवधु कैसी है, वो भी हमारी बहू लगी, उसको हम देखना चाहते हैं। तुम्हारे विवाह महोत्सव के समय तो अकंपन ने मुझे निमंत्रण ही नहीं दिया। कौन कह रहा? भरत चक्रवर्ती। बहुत गलत बात है, राजा अकंपन ने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारा विवाह कर रहे हैं, मैं जरूर आता। यथार्थ में क्या यह व्यवहार उचित है? यह अच्छी बात नहीं है। हमें अगर अब तुम मानते हो इतना और तुम्हारा विवाह हो रहा है तो तुमने हमें बताया ही नहीं, यह व्यवहार उचित है क्या तुम्हारा? पूछ रहे हैं, हम तुम्हारे पिता भी के समान हैं, बॉस हैं, अकेले अकेले शादी कर ली, इनवाइट ही नहीं किया। क्या उन्होंने कहीं हम लोगों की बंधुओं से अलग तो नहीं मान लिया? भरत चक्रवर्ती, अब समझ रहे होंगे आप लोग कि मजाक मजाक में कह रहे हैं, हास्य में कह रहे हैं कि तुमने, उन्होंने मतलब अकंपन जी ने हम लोगों को यानी हमें बंधुओं से अलग तो नहीं मान लिया कि जैसे उनके और बंधुजन हैं, बाकी सबको तो बुला लिया, हमें नहीं बुलाया, हमें अलग मान दिया इसका मतलब। परंतु चलो कोई बात नहीं, उनके लिए कोई बात नहीं, उन्होंने मान लिया होगा हमें अलग कर दिया, परंतु तुम्हारे लिए तो मैं पिता के समतुल्य था। अर्क कीर्ति के सामने बता रहे हैं सारी बातें चक्रवर्ती कि मुझे तो तुम पिता के समान आदर करते हो, हैं? मैं तो तुम्हारे पिता के समतुल्य था, तुम्हें तो मुझे अग्रणी करके ही विवाह करना चाहिए था, मुझे तो सबसे पहले बुलाते विवाह करने में कि मेरी शादी तय हो गई है,
इतनी तारीख को फेरे हैं, विवाह है, आप आइए, तुमने भी नहीं बताई, गलत बात है, हैं? धमका रहे हैं उसको, किसको? जय कुमार को। इसलिए नहीं कि युद्ध क्यों लड़ा, इसलिए धमका रहे हैं कि तुमने हमें शादी में बुलाया क्यों नहीं। अगर तुमने बुलाया होता हमें तो वहां पर ये युद्ध की कोई घटना हो ही नहीं पाती। अर्क कीर्ति हमसे बहुत डरता है, हैं? फालतू में युद्ध हुआ, ये सब चीज़ें हुई, वो होती नहीं। अगर हम वहाँ होते तो तुम्हें हमें बुलाना चाहिए था शादी में, तुम्हें तो मुझे अग्रणी करके ही विवाह करना था। दुर्भाग्य है, कौन कह रहे हैं? भरत चक्रवर्ती। हमारा दुर्भाग्य है, तुम भी मुझे विस्मृत कर बैठे। अच्छा, तुमने भी बुला दिया, कंपन ने तो बुला दिया, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे अपने पिताजी को ही नहीं बुलाया तुमने शादी में, बहुत गलत बात है। तुम भी हमें विस्मृत यानी कि स्मृति से भूल गए, भुला बैठे, एवं निमंत्रण से वंचित कर दिया। हमें निमंत्रण ही नहीं भेजा, इनवाइट ही नहीं भेजा, सारी दुनिया को इनवाइट कर रहे हो। इस तरह युक्ति युक्त मृदु संभाषण द्वारा चक्रवर्ती ने उसे आनंदित कर दिया। अब देखिए, कोई सुन के कहेगा ये तो डांट पड़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है? वो अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं। तो मृदु संभाषण यानी मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं हंसी मजाक में कि गलत बात है, तुमने तो हमें बुलाया ही नहीं शादी में, अकेले अकेले शादी कर ली। अरे, हम तो तुम्हारे पिताजी के समान हैं, हमें शादी के लड्डू कब खिलाओगे? इस प्रकार से जय कुमार भी मुस्कुराने लग गए और बहुत चक्रवर्ती की ये बात सुन करके आनंदित हुए। उन्हें वो नहीं आया कि अरे हमसे गलती हो गई, वो समझ रहे हैं कि चक्रवर्ती हमें अपना मानते हैं, पुत्र की तरह से व्यवहार कर रहे हैं, एवं साथ ही उसका आदर सत्कार भी योग्य रीति से किया। खूब आदर सत्कार किया चक्रवर्ती ने जय का शादी के बाद, खूब आभूषण इत्यादि दिए। तत्पश्चात चक्रवर्ती को प्रणाम कर जय गंगा नदी के तट पर लौट आया, जहाँ पर अपनी सेना बाकी लोगों को छोड़ करके आया था, कुछ मित्रों को लेकर के केवल हाँ अयोध्या में राजसभा में गया था। तो जय कुमार अब इतनी भीड़ को अयोध्या में क्या लेकर के जाता, इसलिए कुछ ही गिनती के लोग लेकर के गया था। अब वापस आ गया, कहाँ पर आ गया? जहाँ पर गंगा नदी के तट पर सेना बाकी अपने सभी लोगों को छोड़ करके आया था, एवं शीघ्र ही गज पर आरूढ़ होकर प्रस्थान ही करना चाहता था कि अब वो आगे अपने नगर में जाना चाहता है। उनका नगर कौन सा है? हस्तिनापुर का है, राजा सोमप्रभव जहाँ के राजा श्रेयस्थ, अयोध्या में राजा आदिनाथ, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, अर्क कीर्ति इत्यादि लोग रहते हैं, इनके दर्शन करने के लिए आया था आशीर्वाद लेने। और काशी में कौन? सुलोचना थी, जहां पर विवाह हुआ था अकंपन थे। अब वापस आया और शीघ्र ही गज पर आरूढ़ होकर प्रस्थान करना चाहता था कि संध्या काल में सूखे हुए वृक्ष पर बैठे हुए एक कौवे की बोली सुनाई पड़ी। बस उसका था कि भाई चलो अभी तो टाइम है, यहां से आगे बढ़ते हैं, कहीं और रुकेंगे। परंतु क्या हुआ, जैसे ही हाथी पर बैठने को लगा तो एक वृक्ष देखा, वह सूखा हुआ था, सूख जाते ना पेड़, वहां पर एक कौवा बैठा था, कांव कांव कर रहा था, उसकी आवाज सुनाई पड़ी। वह सूर्य की तरफ मुख करके बोल रहा था, सूर्य छुपने वाला है संध्या काल में, बहुत अच्छा प्रसंग आने की उम्मीद लग रही है, कुछ इंटरेस्टिंग सा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। वो क्या कर रहा था कौवा? साय काल में लाल लाल सूर्य हो जाता है ना, जो डूबने वाला होता है ना, अंधेरा आने से ठीक पहले, तो वह कौवा सूर्य की तरफ मुख करके बोल रहा था, कांव कांव अपने शब्दों में कुछ बोल रहा था। उसकी बोली सुनते ही, जैसे ही कौवे को देखा और उसकी कांव कांव देखी कि संध्या काल में किस प्रकार से वह आवाज कर रहा है, उसे अपनी प्राण प्रिया
सुलोचना का स्मरण हो आया। कौआ जब आवाज करता है और उसे छोड़ करके आ गया था, एकदम से उसे ध्यान आया किसका, सुलोचना का। अरे कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया ये कौआ, इस प्रकार से क्यों आवाज कर रहा है, एकदम ध्यान आ गया स्मरण में अपनी पत्नी का। एवं शंका हुई कि उस पर कुछ अनिष्ट तो नहीं घटित हो रहा, एकदम से होता है ना निमित्त सा लगता है एकदम, अरे याद आ रही है इनकी, एकदम फटाफट आजकल क्या करते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, किसी से संदेश भिजवा देते हैं, तुम ठीक हो, हाँ ठीक है, या आसपास होते हैं तो तुरंत जा करके चेक कर लेते। तो ऐसे ही उसको एकदम बस अकस्मात कौए का उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अभी पता चल जाएगा आगे पढ़ेंगे। तो जब कौआ सायंकाल में सूर्य को झुकते हुए देखते हुए काँव काँव कर रहा था, एकदम ध्यान आया, अरे मेरी सुलोचना यहाँ पर नहीं है, कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया, कोई घटना तो नहीं हो गई। इतना सोचते ही वह अचेत हो गया। बताओ कितना बड़ा राजा, कितना बड़ा युद्ध लड़ लिया, अर्क कीर्ति को उड़ा दिया, और देखिए किस प्रकार का मुँह था पत्नी का मुँह, कि जय कहाँ कौआ की आवाज़, कहाँ लेना ना देना, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी एकदम से जैसी याद आई आहा, और एकदम टेंशन में बेहोश हो गया उसकी याद में। उसकी ऐसी सोचनीय अवस्था ज्ञात होते ही वही नाग कुमार जाति का देव पुनः आ गया, जो उसका हितैषी है ना नाग कुमार जाति का देव, जिसने नागपाश वाला बाण दिया था युद्ध में जिताने के लिए, एकदम उसको अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ कि मेरा मित्र जो जय कुमार है, जिसको मैंने वचन दिया था कभी भी तुम्हें दिक्कत आए तो मुझे याद करना, उसने याद नहीं भी किया है तब भी अवधि ज्ञान से उसको पता चल गया कि मेरे मित्र के साथ में कुछ बुरा हुआ है, वो बेहोश हो गया, उसे कोई दिक्कत है। वो तुरंत फटाफट से वहां पर वैक्रियक शरीर के कारण से तुरंत जा पहुंचा, कौन, नाग कुमार। एवं शीतलोपचार द्वारा सचेत कर कहने लगा, उसने उसका जल्दी से अपनी रिद्धियों से शीतलोपचार किया, पानी वानी डाला या जो भी उसके पास साधन होंगे, देव है भाई, तुरंत उसकी तबीयत ठीक कर दी और सचेत कर दिया, और कहने लगा कि आप सुलोचना की रंच मात्र भी चिंता ना करें। उसे पता चल गया भाई क्यों बेहोश हो गए थे, बताया भाई सुलोचना की याद आ रही थी, तो उसने कहा चिंता ना करो, सुलोचना की क्या बात है, है? हम बैठे हैं ना, वह पूर्ण आनंद से है, अरे मजे में रह रही है अपने, क्या दिक्कत है, एकदम ठीक है, हमने चेक कर लिया सब ठीक है, अवधि ज्ञान से हमने चेक कर लिया, पूर्ण आनंद से है, कोई दिक्कत नहीं है। जय ने उसका कथन श्रवण कर शीघ्रता में बिना घाट का ध्यान रखे गज को गंगा नदी की धारा में उतार दिया। अब जल्दबाजी में आदमी होता है ना, एकदम से होश में आए तुरंत, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं क्या करूं, अच्छा ठीक है सुलोचना बहुत सुंदर, चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी क्या किया, एकदम घाट का ध्यान ही रखा। घाट क्या होता है, नदी के कोने पे जो थोड़ा मिट्टी का सा और पानी का सा स्थान होता है ना, मटमेला कीचड़ होती है, फंस जाता है आदमी, पैर फंस जाते हैं, तो घाट का ध्यान नहीं रखा, और गज जो उसका हाथी था उसको गंगा नदी की धारा में उतार दिया। बहुत तेज गंगा नदी की धारा होती है, एकदम से चलो भाई, गज के दंत भीम का आए थे, बहुत बड़े बड़े उस हाथी के, बड़े बड़े जो दांत होते हैं ना हाथी के दांत, बहुत बड़े बड़े दांत थे भीम का आए, जिससे वह सूंड को ऊपर उठाकर तैरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था कि मानो मगर ही हो, है ना, हाथी नदी में जा रहा है, सूंड ऊपर उठा ली है, और चार पैरों के जो हाथी होते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, गाय भैंस वगैरह, तो उनके पास ऐसी चार पैरों के कारण से ऐसी कुछ शक्ति होती है कि वो डूबते नहीं है, नीचे पैरों को चलाते चलाते मुँह ऊपर करते हुए तैरते हुए निकल जाते हैं, कई बार देखा है हमने, गाय भैंस वगैरह भी और कुत्ते वगैरह भी डूब नहीं पाते पूरी तरह से, वो तैरना सीख जाते हैं, तैर लेते हैं। तो इस प्रकार से वह तैरता हुआ जा रहा था मानो मगर,
मगर माने जो मगरमच्छ होते हैं ना, क्रोकोडाइल जैसा, कि मगरमच्छ तैरता है थोड़ा थोड़ा मुंह वहां पर ऊपर निकाल करके, और आधा शरीर उसका पानी के नीचे होता है, ऐसे ही वह हाथी सूंड और मुंह पर दिखाई दे रहा था, पीठ और बाकी का शरीर अंदर, वो तैरने लगा। हे पाठक वृंद, पाठक वृंद माने सभी पढ़ने वाले लोग, बुद्धिमान लोग जो इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, हम सभी, आप सभी, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि काकोकर सर्प मृत्यु प्राप्त कर गंगा नदी में काली देवी हुआ था। कुछ ध्यान आया, दो तीन अध्याय पहले बताया था कि जो नाग कुमार जाति का देवी है, देवी बन के आया है, वह किसी दूसरे सर्प के साथ, जो काकोरर जाति का सांप था, उसके साथ रमण कर रही थी। ये देख करके जय कुमार को उस वन में क्रोध आ गया था, उसने पत्थर मार दिया था। तो वह जो सर्पिणी थी, वह तो मरण के बाद अपने जो पहले का पति था, जो पहले से नाग कुमार जाति का देव बन गया है, उसकी देवी पत्नी बन गई। परंतु जो देव था वह क्या बना था, वह गंगा नदी में काकुर जो सर्प था, काली देवी हुआ था। ध्यान है ना आपको, याद आ गया या फिर से निकाल करके दिखाएं, दो तीन कक्षा पहले आया था। काली नामक जल का देवता हुआ गंगा नदी में, काकोकर सर काकोदर सर्प प्राण त्याग कर, बहुत सारा व्याकुल था क्योंकि उसको भी पत्थरों के द्वारा जय कुमार के जो सैनिक थे उन्होंने पत्थर मारे थे बचाने के लिए, हटाने के लिए, लेकिन उनसे वो दोनों मर गए थे। वह क्या बन गया था, काली नामक जल का देवता हो गया था। कौन, जो काकोकर जाति का सर्प था। अब पहले थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट सा लग रहा है, एक जगह देवी लिखा यहां पर और पहले देव लिखा है, आगे देखते हैं कि देव है कि देवी है, कहीं थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया होगा। पहले के उसमें लिखा है काकोकर जाति का जल देवता हुआ काली नामक, और यहाँ लिख दिया है गलती से, मिसप्रिंट है, काली देवी। अभी आगे पढ़ के पता चल जाएगा कि देव है कि देवी है। मंद मंद गति से गजराज अग्रसर हो रहा था कि मंझधार में पहुँचते ही उसने अपने प्रभाव से गजराज की गति स्तंभित कर दी। क्या किया, वह देव या देवी जो भी है, काली नाम है, वह उस नदी में अब रह रहा है। त्रेंचों में नहीं आते, भवनत्रिक देव होते हैं ये, भवनवासी ज्योतिष व्यंतर में आते हैं, ठीक है। तो क्या उसने क्या किया, हाथी जब उसमें चल रहा था तो उसको परेशान करने के लिए उस देव ने उसको रोक दिया, स्तंभित कर दिया, उसको पकड़ लिया, जिससे वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा, फंस गया। यह बात निश्चित है कि अपने मूल स्थान बिल पर मूषिक भी सिंह के समतुल्य बलशाली हो जाता है। इसी से उदाहरण बना ना, घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, अपने बिल में तो चूहा भी सिंह शेर के समतुल्य होता है। कि चूहे के अंदर शेर तो घुस नहीं पाएगा, चूहे के बिल में छोटे से वो बाहर ही बैठा बैठा इंतजार करता रहेगा, और चूहा अंदर से कुछ ना कुछ उसको डंडी वंडी निकाल करके मार सकता है, जो चाहे परेशान करने के लिए, उसकी मूछें काट दे, कुछ भी कर ले। तो अपने घर में, क्यों, क्योंकि अपने घर में था वह देव, तो जैसे चूहा शेर के समान होता है, ऐसे ही अपनी जगह पर उसने उस गजराज को पकड़ लिया। और गजराज किसका गजराज है, जय कुमार का गजराज है। जो ही काली ने गजराज को पकड़ा, अब नीचे से पकड़ लिया पानी में देव ने, अब गजराज जो है हिल नहीं पा रहा, खाली सर ऊपर है, सूंड ऊपर है, पैर चला नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे वह डूबने लगा। कौन, हाथी। जैसे ही काली ने गजराज को पकड़ा तो वह डूबने लगा।
उसको डूबता हुआ देखकर हेमांगद आदि जो गंगा नदी के सामने वाले तट पर खड़े थे शीघ्र ही जलधारा में कूद पड़े। एकदम से आवाज़ें आई ना उसकी चिंगारने की डर से, तो ये सब वो नहा रहा था हाथी आराम से, और इधर हेमांगद वगैरह सारे खड़े थे दूसरे कोने पे, वो बीच में नहाने चला गया था उसका हाथी। तो तुरंत उसको बचाने के लिए हेमांगद कौन है, सुलोचना का भाई है जो साथ में राजा कंपन ने विदाई करने के लिए भेजा है, वो उसको बचाने के लिए एकदम से कूद पड़े। उधर सुलोचना भी आहार शरीर आदि की ममता त्याग कर अड़मो अरे हंताड़म अनादि निधन महामंत्र का जाप करने लगी। देखिए सुलोचना वहीं पर थी, ऐसी कौवे का ध्यान आया, अब इतनी सारी भीड़ होगी, तुरंत उसे दिखी नहीं सुलोचना जय कुमार को, इसलिए वो बेहोश हो गया। उसको लेकर के चल रहा है सुलोचना को, अपने कंपन के पास छोड़ करके नहीं आया है, तो वहीं पर गंगा नदी के तट पर छोड़ दिया था। इतनी सारी सेना वगैरह है, अपने डोली वोली में बैठी होगी, कौवा देखा और बेहोश हो गए, अरे मेरी सुलोचना दिखाई नहीं दे रही, कुछ बुरा तो नहीं हो गया। फिर देव ने आकर के बताया कुछ सब ठीक है। तो सुलोचना को भी जैसे हल्ला पता चला कि भाई मेरा भाई कूदा है, कोई घटना हो गई है, तो तुरंत हाथी की जान बचाने के लिए सुलोचना ने क्या किया, रमो अरिहंताड़म रमो सिद्धाड़म अनादि निधन मंत्र, सारे पापों का नष्ट करने वाला सर्व मंगलकारक सर्व विनिष्ट निवारक ऐसा अड़मोकार मंत्र जपना शुरू कर दिया वहीं किनारे पर बैठकर। कितना भी बड़ा से बड़ा संकट हो, बड़ा से बड़ा कष्ट हो, अगर आप धार्मिक हैं, अगर आप भगवान का अरिहंत भगवान का ध्यान करते हुए रमोकार मंत्र का सच्चे मन से ध्यान करते हैं, तो सारे की सारे कष्ट आपदाएं विपदाएं बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। कभी कभी अंतराय कर्म के कारण यदि तुरंत दूर भी नहीं होती, परंतु फिर भी आपको बहुत ही समता के साथ में उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करती है। बस किस पे विश्वास करो, अपने अरिहंत भगवानों पर, सिद्ध भगवानों पर, अपने पंच परमेष्ठी पर। कोई भी विपत्ति आपको कष्ट देने से कोसों दूर चली जाएगी। सांसारिक जीवन में हमारे साथ आप सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, जिस प्रकार से यहाँ पर उनके प्रिय गजराज के साथ हुआ। तो तुरंत सुलोचना ने क्या किया, रमोकार मंत्र का जाप लगाया। आपके साथ भी कभी भी कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, तो समता के साथ में उसको सहन कीजिए, और साथ ही साथ प्रभु की भक्ति कभी भी बंद नहीं करनी, और ज़्यादा करनी, और अच्छे से धर्म करना है। बस ये ध्यान रखिए कि कभी भी अन्य जीवों को कष्ट न दें, कभी भी छल कपट मायाचारी इत्यादि कषाय पांच पाप में अपने मन को लिप्त ना करो। तो तुरंत सुलोचना ने क्या किया, अनादि निधन मंत्र जो रमो अरिहंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो आयरियाड़म रमो वज्जहड़म रमो लोए सब साहुड़म इसका जाप करने लगी, एवं अपनी अन्य अन्य सखियों के साथ वह भी गंगा नदी में कूद पड़ी। जब उसने देखा मेरा भाई भी कूद रहा है, जाप करते करते वह भी अपनी सारी स्त्रियां जो सखियां हैं, देखिए लेडीज भी तैरना जानती हैं उस जमाने की, और हाथी को बचाने के लिए सुलोचना भी नदी में कूद पड़ी, और साथ में कौन कूदे, उनकी सारी जो सहेलियां थी सखियां थी वो भी कूद गई। गंगा नदी के किनारे पर गंगा देवी का निवास था। अंदर कौन परेशान कर रहा है, काकोकर जाति का जो सर्प था पूर्व भव में, जो काली नामक देव देवी हो गया था, वो परेशान कर रहा है। और कोने पे क्या है गंगा नदी के, गंगा देवी, ओरिजिनल वाली जो गंगा देवी हैं, गंगा देवी वो रहती है ना। नदी को देवी बना लिया वो बात अलग है, परंतु देवी अलग है और नदी अलग है। गंगा नदी में निवास करने वाली देवी होती है, उसको क्या बोलते हैं, गंगा देवी। गंगा नदी के किनारे पर
गंगा देवी का निवास स्थान था। तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है, ये जो गंगा नदी है वर्तमान में भारत देश के अंदर, ये वो ओरिजिनल वाली गंगा नदी नहीं है। ओरिजिनल गंगा नदी कहाँ पर है, जो आर्यखंड के एक बाउंड्री लाइन पर है, ऐसी ओरिजिनल वाली दूसरी बाउंड्री लाइन पर सिंधु नदी है और ऊपर विजयार्थ पर्वत है। गंगा नदी को क्रॉस करने के बाद में मलेच्छखंड आ जाता है और इधर सिंधु को क्रॉस करने के बाद भी मलेच्छखंड आ जाता है। बहुत विशाल नदी होती हैं। पंचम काल के कारण से हम सभी लोग, वर्तमान में हमारे पास संसाधन न होने के कारण से, जो असली वाली गंगा नदी है उस तक हम नहीं पहुंच पाते। तो यहां पर क्या हुआ, गंगा नदी के किनारे पर गंगा नदी का निवास था, उसका आसन रमोकार मंत्र के प्रभाव से कांप उठा। देखिए कितना भयंकर मंत्र है। जैसे ही वहां पर रमोकार मंत्र की ध्वनि सुलोचना ने बोली तो गंगा देवी का निवास स्थान कांप गया कि कौन आया है यहां पर जो रमोकार मंत्र जिसने बोला है। ज्यादा लोग तो यहां तक आ ही नहीं पाते हैं, और कोई आया है जिसने यहां पर रमोकार मंत्र बोला है, उसका आसन जो सिंहासन था देवी का वह कांप उठा, हिल गई। एवं वह सहायतार्थ शीघ्र ही वहां पहुंच गई। फटाफट से अवधि ज्ञान होता है उनको भी, सारे व्यंतरों को, सब भवनवासियों को, सब ज्योतिषों को, सब स्वर्ग के वैमानिक देवों को, सबको अवधि ज्ञान होता है। तुरंत उसने जान लिया किसने रमोकार मंत्र बोला और किसने सहायता के लिए अरयंत भगवानों की स्तुति करी है। तुरंत वहां पर उनकी हेल्प करने के लिए कौन पहुंच गई, गंगा नदी की देवी, गंगा देवी। उसने सबको कुशलता पूर्वक तट पर पहुंचा दिया। सब जो तैर तैर करके हाथी को पकड़ करने के लिए कि बचा, डूबने से बचा लें, सबको फटाफट से कहा तुम चिंता मत करो, हम हाथी को बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी नदी है। तत्पश्चात उसने काली देवी को बहुत फटकारा, भाई उसकी जूनियर है काली, जूनियर देव देवी है जो भी है, भाई क्या परेशानी है तुमको, ऐसी राहगीर लोगों को परेशान करते रहते हो बेमतलब में टाइम पास करने के लिए, क्या आनंद आ रहा है इसमें, मर जाता हाथी तो ये कोई खेल है। खूब डांट लगाई किसने, गंगा देवी ने, जो गंगा की मेन देवी है। काली देवी को बहुत फटकार लगाई, खूब डांटा, साथ ही उसे पकड़कर जय कुमार के निकट ले आई, उसको पकड़ा, क्योंकि भले ही देव है लेकिन देवों में भी जूनियर सीनियर हुआ करते हैं। अब छोटा देव है वो, उससे उसको पकड़ करके ले आई कहाँ पर, जय कुमार के पास, कि चलो माफी मांगो इनसे, है क्या मजाक है। यह धारणा नितांत सत्य है कि पुण्य योग से सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। जय कुमार ने कुछ भी नहीं किया, अपने आप से ही वहां पर पुण्य के योग से, उसने पूर्व में अच्छे काम किए हैं, जो इस प्रकार से सेनापति बना है, बहुत धर्म किया है, बहुत पूजा करी है, इस भव में भी उस पुण्य को बढ़ा रहा है। जब भी विपत्ति का समय आएगा, बीच बीच में आएगा, चतुर्थ काल में आया है तो आदिनाथ भगवान के समय में, तो पंचम काल में तो बहुत आएगा, परंतु आप सभी को, हम सभी को धर्म के मार्ग से विमुख नहीं होना है, हटना नहीं है। पुण्य का आश्रय मिलेगा, पुण्य का योग आएगा तो पाप का क्षय हो जाएगा, कर्मों की निर्जरा, जो पाप कर्म है उनकी स्वतः हो जाएगी। तो इसलिए घबराना नहीं है। वहां पर जय कुमार भी परेशान नहीं हुआ, तो उसने जब गंगा देवी ने काली देवी को लेकर के आई, किसके पास लाई, जय कुमार के पास, तो यहां पर कहा है कि पुण्य के योग से हर जगह विजय प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात गंगा देवी ने तट पर अपने प्रभाव से एक सुंदर महल की रचना करी। उसने कहा ठीक है, हमारे जूनियर देव ने, देवी ने कोई गड़बड़ करी है, आप इसको माफ करो, हम आपको संतुष्ट करने के लिए एक काम करते हैं, कुछ दिन यहीं ठहरो। अपनी विधियों से क्या किया देवी ने, वहीं तट पर उन लोगों के रहने के लिए एक सुंदर महल की रचना कर दी फटाफट। कई जगह होता है ना, देव निर्मित मंदिर है, देव निर्मित
बहुत प्राचीन चीज़ है। तो देवलोक बहुत सारी चीज़ें बना के चले जाते हैं ऐसे ही अपनी सिद्धियों से। तो वहाँ पर जय कुमार को संतुष्ट करने के लिए क्या किया, एक सुंदर महल बना दिया एवं उसमें एक मनोज्ञ सिंहासन पर सुलोचना को बिठाया। फटाफट से महल बन गया। देवों के लिए कौन सी बड़ी चीज़ है, हमारे लग हमें लग हम लोग आप लोगों को लगते हैं सालों मकान बनाने में, क्यों रोहिता जी कितनी मेहनत से कितनी मेहनत कर करके पैसा इकट्ठा करके बनाते हैं, तो पुण्य करोगे तो सब फटाफट बन जाएगा है? देव बनो क्या चक्कर है, ये तो छोटी जाति के देव हैं, स्वर्ग के देव बनोगे तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन उसके भी चक्कर में इच्छाएं नहीं करनी, किसकी इच्छा करनी है, अरिहंत पद सिद्ध पद मुनि बनो आर्यका बनो व्रत लो ऐसी इच्छाएं करो, ये सब स्वर्ग के पद भी बहुत छोटे हैं। परंतु उस मार्ग में जब मोक्ष मार्ग में आप बढ़ते हैं तो अगले जन्म में ये सारे पद एक टेम्परेरी विश्राम स्थल की तरह मिलते हैं कि भाई अभी ट्रेन आने में टाइम है तो तब तक सुख के साथ अच्छे से विश्राम स्थल में उन स्वर्गों में उन देव पर्याय में रह सकते हैं। तो ऐसे ही स्वर्गों के सुख होते हैं। अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है, वो मनुष्य गति से ही संभव है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा सिंहासन बनाया किसने, देवी ने, उस पर किसको बिठाया, सुलोचना को। तथा भक्ति सहित उसकी पूजा करके कहा। अब बात खुल करके सामने आ रही है, सुलोचना को बिठाया है क्यों, धमोकार मंत्र किसने पढ़ा था, सुलोचना ने। पूर्व भव की अब बात बताएगी, देखते हैं क्या हुआ। गंगा नदी के तट पर सुंदर महल की रचना करी, सिंहासन पर सुलोचना को बिठाया एवं भक्ति सहित उसकी पूजा करी। किसकी, सुलोचना की पूजा करी और कहा, बसंत तिलक नामक उद्यान में मुझे सर्प ने डस लिया था। हे सुलोचना क्या तुम्हें याद है, पूर्व भव में बसंत तिलक नामक एक उद्यान था, वहां पर मुझे सांप ने डस लिया था, उस समय आपने मुझे रमोकार मंत्र सुनाकर मेरे ऊपर महान उपकार किया था। पूर्व भव में आपने क्या किया था, अब देखो कहां से क्या कनेक्शन बनता है। इसलिए कहते हैं कहीं पर भी कोई भी त्रियंच गति का जीव मरण को प्राप्त हो रहा हो, छोटे लोग घायल हो, उसको बिना रुके बिना कोई परेशानी के बस रमोकार मंत्र सुनाते रहो, समाधि मरण करा दो उसका, मर गया तो समाधि के साथ मरेगा, नहीं मरा ठीक हो गया तो आपकी आपका उपकार इस जन्म में भी मानेगा कि आपने उसकी सहायता करी, उसको अच्छे अच्छे धर्म की बातें बताई। तो यहां पर सुलोचना को वह देवी कह रही है कि मेरा सिंहासन क्यों हिला और मैं क्यों तुम्हारी मदद के लिए आई, कि पूर्व भव में तुमने मुझे मरते समय रमोकार मंत्र सुनाया था। ये कितने सारे उदाहरण अलग 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 लगाते हैं है? रमोकार मंत्र के, खाली हमें क्या पता है, पार्श्वनाथ भगवान ने मरते हुए सांप सांपनी को रमोकार मंत्र सुनाया था, है ना, सीमंदर जी की कथा पढ़ी थी तो उसमें कुत्ते को उन्होंने सुनाया था, कितना बड़ा मंत्र है कि पिछले जन्म में एक उद्यान था जिसका नाम था बसंत तिलक, वहां पर मुझे सांप ने डस लिया था और उस समय आपने मुझे रमोकार मंत्र सुनाकर मेरे ऊपर महान उपकार किया था, जिसके प्रताप से मैं गंगा नदी की अधिष्ठात्री एवं सौधर्म इंद्र की नियोगनी हुई हूं। सौधर्म इंद्र की देवी हूं मैं और यहां पर रहती हूं, यहां पर मेरा महल है। सौधर्म इंद्र की देवियां होती हैं सब, इनके मूल महल यहां पर होते हैं, वहां पर भी जाती रहती हैं क्रिया से सौधर्म इंद्र के साथ।
उनकी नियोग नहीं हुई हूँ मैं, उनकी देवी हुई हूँ। किसके प्रभाव से? पूर्व भव में आपने मुझे मरते समय णमोकार मंत्र सुनाया था और मैंने सुन लिया था। तो आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है कि कहाँ तो मैं कैसी पर्याय में थी और आज मैं यहाँ पर देवी बनी हूँ, कितना सुख है। हे देवी, आपके दिए हुए महामंत्र के प्रताप से मैं इतने उच्च पद पर आरूढ़ हो सकी हूँ, इसलिए मैं आपकी चिर ऋणी हूँ। जब तक यह जीवन है, जब तक यह देवी की पर्याय है, तब तक मैं आपका ऋण, कभी भी आपका लोन, आपने मुझे कृतार्थ किया है, मैं कभी भी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। आपके पुण्य के कारण, आपके दिए हुए महामंत्र के कारण, उस रमोकार मंत्र के कारण से मैं आज इतने उच्च पद पर आसीन हो पाई हूँ, आरूढ़ हो पाई हूँ। इसे सुनकर जय कुमार ने सुलोचना से कहा, हे प्रिय, इस घटना का समस्त वृतांत जानने में मैं उत्सुक हूँ कि कौन थी, कब थी, क्या थी, तुमने किसको सुनाया था, है ना। तो सुलोचना से पूछा कि तुमने ऐसा कब किया, मुझे बताओ, मेरे को पूरी बात बताओ, ये कौन थी पिछले भव में, तुमने कब सुनाया बसंती तिलक नामक उद्यान में, मुझे पूरी बात सुनाओ, मेरे को पूरा सुनने की इच्छा कर रही है। यह सुनकर सुलोचना अब उत्तर में कहने लगी। सुलोचना बताने लग गई, उसे याद थी घटना। विंध्याचल पर्वत पर विंध्यपुरी नाम की एक नगरी है। विंध्याचल पर्वत पे क्या है? हाँ, विंध्यपुरी नाम की एक नगरी है। मतलब इसी भव, सुलोचना के इसी भव की घटना है, और जो गंगा देवी है वह पूर्व भव में देखते हैं क्या थी। तो सुलोचना ने उसको णमोकार मंत्र सांप के काटने के बाद मरते मरते समय सुनाया, जिसके कारण से उसने शांत परिणामों से उस णमोकार मंत्र को श्रवण करते हुए अपनी देह का त्याग किया और उसके उपरांत गंगा देवी के रूप में वह उत्पन्न हो गई, सौधर्म इंद्र की देवी। तब सुलोचना से जय कुमार ने पूछा, मुझे पूरी बात बताओ, कब की बात है, क्या बात है। वो बता रही है कि विंध्याचल पर्वत पर विंध्यपुरी नाम की एक नगरी है, वहां के राजा का नाम विंध्यध्वज है एवं रानी का नाम प्रियंगुश्री था। जिस समय की ये घटना बता रही है, उस समय वहां पे राजा थे विंध्यध्वज, कितना नया नाम है विंध्यध्वज, विंध्यपुरी नाम की नगरी के, और उनकी रानी थी प्रियंगुश्री। क्या नाम था रानी का? प्रियंगुश्री। उनके विंध्य श्री नाम की कन्या थी। उनकी बेटी का क्या नाम था? विंध्य श्री। राजा ने कन्या को सर्व गुण संपन्न बनाने के लिए मेरे सानिध्य में भेज दिया। हमारे परिचित राजा थे हमारे पिताजी के, तो उसे कुछ मेरे जैसे गुण आ जाएं, ऐसा किसी ने बताया होगा, बड़ी अच्छी हूँ मैं, तो मेरे पास कुछ दिनों के लिए पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया, अच्छे गुण, सर्व गुण संपन्न बनाने के लिए राजा ने। हमारा परस्पर में पूर्ण स्नेह था, मैं और विंध्यश्री अच्छी सहेलियां बन गई, और अच्छी संगति में वो हमारे साथ में सीखती थी चीज़ें, हम भी सीखते थे। एक दिन हम दोनों बसंत तिलक नामक उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे। एक दिन हम दोनों खेलने चले गए, सहेली सहेली, मेरी सहेली विंध्यश्री और मैं सुलोचना, बसंत तिलक में क्रीड़ा कर रहे थे कि अचानक एक सर्प ने उसे ढस लिया। एकदम से क्या हुआ, विंध्यश्री को एक सांप आया उस उद्यान में, उसने एकदम काट लिया, पैर वैर लग गया होगा उसके ऊपर। विषधर के काटते ही विंध्यश्री अचेत होने लगी। विषधर माने सर्प का ही पर्यायवाची है, जिसमें विष होता है, विष को धरने वाला। विंध्यश्री एकदम धीरे धीरे बेहोश होने लगी, अचेत होने लगी। तब मुझे कोई अन्य उपाय नहीं सूझा, मुझे ना तो मैं वैद्य थी, ना डॉक्टर थी, ना मुझे कोई रिद्धियां सिद्धियां थी, मैं भी साधारण युवती हूँ, तो मुझे कोई दूसरा उपाय जब नहीं सूझा तो मैं णमोकार मंत्र का जाप करने को उससे कहने लगी।
रमुकार पढ़ो, रमुकार होता है ना बेचैनी में, खुद भी पढ़ने लगी और उसे भी बोला जितना भी होश तुम्हारा बचा है तुम बस रमुकार मंत्र का ध्यान करो, रमुकार मंत्र पढ़ो। एवं उस मंत्र का महात्म्य उसे समझाने लगी और बोलने लगी उसको कि कितना अदानी अनादि निधन मंत्र है, इससे कैसे कैसे उपकार होता है, अगर मृत्यु को प्राप्त भी हो गए तो इसके प्रभाव से अगला जन्म बहुत अच्छा मिलता है और उसके बाद मोक्ष जा सकते हो। सब तरह से परिग्रह का त्याग करो, संलेखना लो मन ही मन, सबको भूलो, किसी से मोह मत करो, राग मत करो, सारे उसको समाधि कराने लगी और रमुकार मंत्र की महात्म्य में समझाने लगी। अंत में मंत्र का जाप करते हुए ही उसका प्राणांत हो गया। अंत में क्या हुआ, जाप कर खुद भी कर रही थी, मैं भी कर रही थी और अंत में मेरी वह सहेली बिंदिसरी मर गई एवं यहाँ आकर के गंगा देवी हुई है। अब जैसा ही बता रही है मतलब उसको और कंफर्म हो गया कि भाई अगर ऐसा करते हैं तो किस प्रकार से देव देवी बन जाते हैं। रमुकार मंत्र कितना जबरदस्त मंत्र है ना। तो अब देखो जैसा इसने बताया, इसको सारी बात पता है, बसंत तिलक बोला वहाँ ऐसा हुआ था, सांप ने काटा था, मैंने रमुकार मंत्र सुनाया था, तब ये तो प्रूव हो गया। अब ये वहाँ से मरण करके गंगा देवी हुई है, इसने धर्म अनुराग पूर्वक मेरे साथ यह स्नेह प्रदर्शित किया है। क्या कहा कि अब इसको मेरे प्रति अनुराग हो गया है, उठा लेना वो। तो उसने धर्म अनुराग के कारण से यह स्नेह प्रकट किया है। बहुत सुंदर यह आत्मकथा सुनकर जय कुमार ने गंगा देवी को धन्यवाद देकर विदा किया एवं देवी द्वारा रचित महल में रात्रि काल में विश्राम करके प्रातः काल शीघ्र ही सैया को त्याग कर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर दिया। खाली एक रात के लिए महल बना दिया था, इतना सुंदर है ना। गंगा नदी को अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत उपकार। चलो रात में धर्मशाला वगैरह में अपन ठहर जाते हैं तो वहाँ धर्मशाला नदी के तट पर नहीं थी, कोई होटल नहीं था, तो पूरा महल बना दिया देवी ने, रात्रि में वहीं विश्राम किया और सुबह सुबह क्या किया, ज़्यादा दिन थोड़ी रुकेंगे यहाँ पर, अपने घर जाना है। प्रातःकाल शीघ्र ही सैया का त्याग कर दिया, सैया माने जहाँ बेड जिस पे सोते हैं, और हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर दिया कि चलो अपने नगर हस्तिनापुर चलते हैं, अच्छी बात है। अल्पकाल में ही वे वहाँ पहुँच गए, कुछ ही दिनों में अब वो हस्तिनापुर पहुँच गए, अल्पकाल कुछ समय में। हस्तिनापुर अत्यंत नयनाभिराम नगर था, बहुत सुंदर नगर है हस्तिनापुर, पहले ही उसका वर्णन कर चुके हैं। उसकी संपूर्ण शोभा का वर्णन करना कष्ट साध्य है, इतना सुंदर था। और अब तो राजा जय और उनकी पत्नी रानी सुलोचना वहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए कष्ट साध्य है, बड़ा मुश्किल है ग्रंथकार के लिए हस्तिनापुर का वर्णन करना, कितना सुंदर उसको सजाया गया है। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार जय कुमार ने अयोध्या में प्रवेश किया था, जब अर्क कीर्ति के साथ अयोध्या में प्रवेश किया था ना भरत चक्रवर्ती के दर्शन करने के लिए, उसी प्रकार धूमधाम से अपनी नववधु और बाकी उसके भाई हेमांगद और सारे मित्र सैनिक सबको लेकर के हस्तिनापुर में भी उसी प्रकार से बड़ी बैंड बाजे शानो शौकत के साथ में प्रवेश किया। वह अपनी अनिंद्य सुंदरी पत्नी के साथ सा आनंद से अपने राजमहल में जीवन व्यतीत करने लगा। अपने राजमहल में आ गया और अपनी पत्नी सुलोचना के साथ बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगा। इस प्रकार से आपने सुना कि किस प्रकार से लमोकार मंत्र की महिमा से मरते मरते भी किसी भी जीव को जीवन दान मिल जाया करता है। तो हमें घबराना किसी भी कष्ट से नहीं है, विपत्ति से नहीं है, बस जो भी इस संसार में प्राप्त किया है अंत समय में सबका उपकार चुकाते हुए, सबसे क्षमा मांगते हुए, सबको क्षमा करते हुए, जाने अनजाने में जिसकी प्रति भी आपसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, समस्त प्रकार से परिग्रहों का मन वचन का इसे त्याग करते हुए संलेखना लेने का प्रयास करना है। रमोकार मंत्र को सुनते हुए, बोलते हुए, सुनाते हुए हमें सब कुछ छोड़ते हुए ही समाधि मरण करना है। कुछ भी नहीं किया था, दीक्षा वगैरह भी नहीं ली थी इसने, जो है विंध्यश्री थी
मात्र रमोकार मंत्र के महात्म्य से वह गंगा देवी बन। जय बोलिए, आपका समय हो रहा है महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, आचार्य शुभचंद्र जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय दू जलंदो, जय जिनेन्द्र। अब कुछ लोग आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे, बच्चे लोग आ जाओ।